अभी हमारा विषय चल रहा है परिवहन का कि विश्व में परिवहन एवं संचार तो इस संदर्भ में हमने अभी तक देखा आ, सड़क परिवहन के विषय में रेल मार्ग के विषय में आज हम बात करेंगे जल परिवहन के विषय में जल भी जो है वो यातायात या परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है हम आ, प्राचीन काल से ही देखेंगे कि जल जो है जब नदी घाटी सभ्यता चल रही थी तब से ही नदियों का जो प्रयोग है वो अन्य कामों के साथ साथ मतलब सिंचाई के साथ जल का और अपने पीने और अन्य उपयोग के साथ साथ परिवहन का जो वो एक महत्वपूर्ण साधन रहा है तो इसी संदर्भ में देखते हैं कि जल यातायात या जल मार्ग का महत्व क्या है वो इसलिए उपयोग की जाती है क्योंकि जो समुद्र हैं वो तो हर जगह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वहाँ पर जल यातायात में हमको किसी भी प्रकार से जैसे सड़क मार्ग यदि निर्माण किया जाता है या सड़क मार्ग का विकास किया जाता है तो वहाँ पर बसों के रुकने के लिए बस स्टैंड बनाने पड़ते हैं ठीक उसी प्रकार रेल मार्ग के लिए रेलों के या ट्रेन के रुकने के लिए हमको स्टेशन बनाना पड़ता है सड़कों का निर्माण करना पड़ता है और पटरियाँ बिछानी पड़ती हैं लेकिन हमको जल मार्ग के विकास में या जलमार्ग के निर्माण में इस प्रकार का आ, कोई भी व्यय या समय व्यय नहीं करना पड़ता हमको ना तो हमको उसमें सड़कें बनानी हैं ना पटरियाँ बिछानी पड़ेंगी ना ही किसी प्रकार का स्टेशन बनाना है ये जलयान जो है वो अबाधित रूप से पानी में आ, चलते हैं तो इसीलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है और साथ ही साथ जो भारी साधन हैं भारी साधन का हम परिवहन कर रहे हैं जैसे लकड़ी हो गया कोयला हो गया तो इसके परिवहन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कम खर्चीला पड़ता है साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जल में स्थल की भांति जो है वो घर्षण कम होता है इसलिए ऊर्जा की जो लागत आती है वो भी हमको जल मार्ग के विकास में कम करना पड़ता है इसलिए जल परिवहन का या जल मार्ग का जल मार्ग के निर्माण का बहुत महत्व है हम देखते हैं जल परिवहन में जो आ, या जल मार्गों में जो प्रमुख साधन उपयोग किए जाते हैं वो हमको पता है नावें चलती हैं स्टीमर हैं विभिन्न प्रकार के जो जलयान हैं वो चलते हैं इन साधनों के माध्यम से हम जल परिवहन का उपयोग करते हैं अब हम इसको देखेंगे जल परिवहन को भी दो वर्गों में रखा जाता है पहला है आंतरिक जलमार्ग जिसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है आपका आ, सामुद्रिक या महासागरीय जो जलमार्ग है हाँ आंतरिक जलमार्ग के लिए आ, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जिससे उसका विकास किया जा सके एक तो आ, हमको पता है कि इनलैंड जो वाटरवेज़ है या आंतरिक जलमार्ग हमको कहाँ पर मिलेंगे मतलब किसी भी देश या महाद्वीप के अंदर जो नदियाँ हैं झीलें हैं है या नहर के माध्यम से जो परिवहन किया जाएगा या जो यातायात किया जाएगा वो आपके आंतरिक जलमार्ग या इनलैंड वाटरवेज़ के अंतर्गत आते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो होनी ही चाहिए जैसे नदी में पर्याप्त गहराई हो गहराई के साथ साथ उसमें जल की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए लेकिन ढाल जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए जिससे अच्छी तरह से उसमें परिवहन जो है वो किया जा सके अब हम देखते हैं इसके अलावा की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए है ना तो पहला तो नदी आ, जिस नदी पे ये परिवहन किया जा रहा है वो सदा वाहनी होनी चाहिए मतलब वर्ष भर उसमें जल की मात्रा होनी चाहिए तभी तो परिवहन किया जा सकता है अगर नदी में जल नहीं रहेगा कुछ नदियाँ जो होती हैं मौसमी होती हैं तो उसमें परिवहन कैसे किया जा सकेगा जब जल की मात्रा कम होगी तो असंभव है ये चीज़ इसलिए पहली कंडीशन पहली जो आवश्यक दशा है कि नदियाँ जो है वो सदावाहनी होनी चाहिए साथ ही साथ उस नदी में जो है किसी भी प्रकार के जो महाखड्ड या हम बोलें जल प्रपात या छिप्रिकाएँ वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए क्यों क्योंकि ये उस नदी के परिवहन में जो है वो बाधा पहुँचाएगी है ना अब नंबर थ्री हम देखते हैं उस नदी में नदी विसर्प या नदियों में जो मोड़ पड़ते हैं मोड़ कब पड़ रहे हैं जब उसके रास्ते में कोई बाधा बड़ी चट्टान या कुछ भी जो अवरोध आता है नदी के मार्ग में तो नदी जो है उससे लड़ने की जगह क्या करती है अपना मार्ग बदल लेती जहाँ से उसको ढाल मिलता है ढाल के अनुरूप तो वो नदी विसर्प कहलाता है तो इस प्रकार से नदियों में जिस नदी में परिवहन कार्य किया जाएगा वहाँ पर ये नदी विसर्प या मोड़ की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आ, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आ, उस नदी का जो मुहाना है वो साफ़ होना चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषित यदि मुहाना होगा तो जो परिवहन कार्य उस नदी में किया जा रहा है उसको समुद्र से जोड़ने में समुद्री यातायात से जोड़ने में कठिनाई होगी इसलिए नेक्स्ट कंडीशन है उसकी कि उस नदी का जो मुहाना है वो एकदम साफ़ होना चाहिए फिर हम देखते हैं आ, जो ठंड के समय में शीतकाल में आ, वो नदी जो है वो बर्फ से मुक्त होनी चाहिए मतलब यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों में या और उत्तरी महासागरी क्षेत्रों में या महाद्वीपों के आंतरिक हिस्से में आ, जो लगभग 65 डिग्री के ऊपर उत्तरी अक्षांश में स्थित है तो वहाँ पर हम ये कंडीशन देखेंगे कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो वो वहाँ पर पानी जो है वो जम जाता है बर्फ के रूप में तो अगर नदियाँ ऐसे बर्फ के रूप में नदियों का जल जो है वो बर्फ़ के रूप में जम जाएगा तो यातायात में जो है जलयान को वहाँ पर चलाने में या नाव को या स्टीमर को चलाने में जो है वो बाधा उत्पन्न होगी इसलिए नेक्स्ट कंडीशन या आ, अगली अनिवार्य दशा उसकी ये है कि उस नदी में जहाँ पर परिवहन कार्य किया जा रहा है वो शीतकाल में या ठंड के मौसम में बर्फ मुक्त होनी चाहिए फिर हम देखते हैं इसके साथ साथ उस नदी का जो प्रवाह है थोड़ा मंद हो और उसके मार्ग में जो है वो औद्योगिक विकास क्षेत्र पड़े तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा जिससे उस नदी परिवहन या उस नदी जल मार्ग का विकास जो है वो और तेज़ी से होगा और अच्छी तरह से होगा अब इन सब के अतिरिक्त हम देखते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं उनके तो हम ये देखें हमने पहले भी बात की कि यदि हम सभी साधनों में देखें चाहे वो रेल परिवहन हो या सड़क परिवहन हो इन सब के मुकाबले जो है हमको नदी का जो जल मार्ग हम विकसित करते हैं उसमें हमको किसी भी प्रकार के मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे व्यय कम होता है और समय की भी बचत होती है किसी प्रकार का स्टेशन हमको नहीं बनाना है हाँ हमको बस जरूरत होती है कि, कि किसी स्थान पर वो पोर्ट उसके रुकने की जो है जो नाव है या जलयान है उसकी बस हमको आवश्यकता पड़ती है कि वो दोनों छोर पर इसकी व्यवस्था हो तो इस, इसके आ, इससे हमें क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ धन की व्यय की भी जो है वो बचत हो रही है इसलिए ये इसका गुण है कि आ, नदी जलमार्ग का विकास जो है वो अभी किया जा रहा है या पहले से ही उसका उपयोग जो है आ, पिछले समय से ही हम वर्तमान तक आ, उसका उपयोग कर रहे हैं और निरंतर उसमें विकास के लिए कार्य भी कर रहे हैं फिर हम देखते हैं आ, ये जो आ, घने वन आच्छादित हम देख रहे हैं चाहे हमिज़ान बेसिन हो कांगो बेसिन हो जहरे बेसिन हो आ, मतलब जो भूमध्य रेखी वर्षा वन पेटी की हम बात करेंगे या इसके अलावा और कहीं भी जहां पर जो क्षेत्र घने वन से आच्छादित होता है है ना तो वहां पर तो हम सड़क और रेल मार्ग का विकास करना कठिन होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा तो उन स्थानों पर जो जल मार्ग है वो ही एक यातायात का सुगम और सरल माध्यम होता है जो घने वनाच्छादित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अब इन सबके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इसके कुछ दोष भी हैं इनलैंड वाटर के कुछ कमियां हैं दोष हैं वो क्या क्या हैं कि एक तो इनकी स्पीड जो है वो वायु यातायात या सड़क यातायात या रेल यातायात के परिप्रेक्ष्य में समय इसमें बहुत ज़्यादा लगता है अधिक समय लगने के कारण जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं जैसे मांस है या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं है ना? इसके साथ साथ इन पदार्थों का हम परिवहन नहीं किया जा सकता क्योंकि जब तक वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी, तो इनके खराब होने का डर रहेगा और साथ ही अगर किसी व्यक्ति को जल्दी अपने गंतव्य तक पहुँचना है तो वो भी इस परिवहन से थोड़ा बचेंगे है ना तो ये कुछ कमियां हैं इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कई नदियों को मतलब बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनकी गहराई कम होती है तो उनको नौकायन के लायक बनाने के लिए उन नदियों को गहरा करने के लिए वहाँ से रेत या मिट्टियों को हटाना पड़ता है जिससे समय और लागत दोनों लगती है तो ये इसकी कमी है जिसके कारण अगर कोई नदी अधिक गहरी नहीं है तो वहाँ पर जल मार्ग के रूप में उसे विकसित करने के लिए थोड़ा अवॉइड किया जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट फिर देख रहे हैं कि आ, जब कभी उस किसी भी नदी में बाढ़ की स्थिति बन रही है या आ, कम वर्षा के कारण यदि वो सदावाहिनी वर्ष भर बहने वाली नदियां नहीं हैं तो वहाँ पर आ, फिर जो शुष्क मौसम होते हैं बारिश के अतिरिक्त तो जो गर्मी के सीज़न में हम देखेंगे कि वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी तो बाढ़ आने या मतलब बारिश के समय में बाढ़ की स्थिति बन जाएगी और आ, पानी कम ग्रीष्म ऋतु के समय में पानी के स्तर के कम होने के कारण मतलब कभी उसमें जल का स्तर अधिक हो रहा है कभी जल का स्तर कम हो रहा है तो इन दोनों परिस्थितियों में फिर आ, वहाँ पर परिवहन में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है तो ये कुछ दोष भी हैं हालांकि ये तो हमने अभी जैसे बात की कि नदी परिवहन जो है वो प्रारंभ समय से ही आ, इसका उपयोग किया जा रहा है लेकिन थोड़ा अभी वर्तमान में इसमें समय जो है वो अधिक लगता है जिसके कारण रेल और जब से रेल और सड़क यातायात का अधिक विकास हो गया है तो इससे थोड़ा सा इसका उपयोग जो है वो कम होने लगा है महत्व तो जो है वो इसका कम हो गया है लेकिन अभी भी पर्याप्त इसमें विकास करने के प्रयास और किए जा रहे हैं और कम लागत जैसे हमने कहा कि हमको बहुत अधिक दूरी सफ़र करना है लंबी दूरी जो है उसकी यात्रा करनी है तो वायु यातायात जो है वो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता और वो बहुत खर्चीला होता है तो उस स्थिति में लोग जो हैं वो जल मार्ग के माध्यम से ही जाना जो है वो पसंद करते हैं अब इसमें भी जैसे अभी हमने इस इनके दोष में देखे थे कि भाई जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उनके लिए ये थोड़ा उतना महत्व का नहीं होता है तो इसके लिए भी अब जो नए नए इसके भी विकास किए जा रहे हैं नौकायन जो स्टीमर हैं जो जलयान हैं है ना उनमें आ, जो शीतलक का प्रयोग किया जा रहा है या बड़े बड़े कंटेनर उपयोग किए जाते हैं जिससे वो माल वहाँ से उसमें ऊपर की तरफ जो ज़्यादा भारी होते हैं अधिक भारी वस्तुएं जो हैं उनको कंटेनर के माध्यम से चढ़ाया और उतारा जा सकता है तो क्रमशः इसमें विकास के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं और इसके महत्व को कम लागत के कारण और बढ़ाया जा रहा है तो ये हो गए हमारे कुछ इनलैंड वाटरवेज या आंतरिक जलमार्ग की दशाएँ उसमें क्या होनी चाहिए जिसमें वो जिसमें उसका विकास हो सकता है इसके साथ उसके लाभ क्या हैं दोष क्या हैं आइए अब हम बात करते हैं विश्व के जो प्रमुख आंतरिक जलमार्ग हैं तो हम इसको महाद्वीपवार देखते हैं अलग अलग महाद्वीपों में तो अ, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के विषय में यूरोप के आंतरिक जलमार्ग के विषय में यूरोप महाद्वीप में अ, हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है वो राइन नदी है पो नदी है डेन्यूब नदी है नीपर नदी है निस्टर नदी है, निस्टर नदी है। ये प्रमुख नदियां हैं जिनके माध्यम से आंतरिक जलमार्ग का यहाँ पर इस महाद्वीप में विकास जो है वो किया गया है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राइन जलमार्ग के विषय में राइन नदी जो है आ, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग है व्यस्ततम मतलब जो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक उपयोग की जाती है ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है तो उसका उत्तर क्या है राइन जलमार्ग तो हमने बताया कि विश्व का सबसे अधिक अव्यस्ततम या सर्वाधिक उपयोग में किया जाने वाला या उपयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग है इसके अतिरिक्त इस नदी को यूरोपीय व्यापार की हम जीवन रेखा कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापार या सुविकसित क्षेत्र में ये है इसलिए हम इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा नदी कहते हैं या जल मार्ग कहते हैं अब आ, हम ये देखेंगे ये नदी जो है इस नदी के माध्यम से आ, सर्वाधिक कोयले का जो है वो आ, परिवहन किया जाता है और कोयले के सर्वाधिक व्यापार या परिवहन किए जाने के कारण इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि कोयला नदी किस नदी को कहते हैं या राइन नदी को और किस नाम से जाना जाता है राइन नदी को कोयले के अधिक परिवहन के कारण कोयला नदी के नाम से जानते हैं फिर और इसकी मुख्य बात देखें हम ये नदी इस नदी का जो जल मार्ग है वो मुख्य रूप से नीदरलैंड फ्रांस जर्मनी और स्विट्जरलैंड यहाँ से होकर ये नदी जो है वो गुजरती है अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा हो राइन नदी जल मार्ग जो है वो आपके नीदरलैंड के स्टार्डम से शुरू हो रही है नीदरलैंड के स्टार्डम से शुरू हो रही है और ये पहुंचती है आपके फ्रांस के स्ट्रासबर्ग तक फ्रांस के स्ट्रासबर्ग तक अब इस नदी का इतना ही है जलमार्ग आगे, आगे आपको नदी यहाँ पर नहीं मिलेगी लेकिन इस नदी के जलमार्ग को आगे हम देख पा रहे हैं भूमध्य सागर से जोड़ा गया है किसके द्वारा रोन राइन रिवर के द्वारा तो आगे नदी का जलमार्ग नहीं मिलने के कारण नहर बनाकर इसे भूमध्य सागर से जोड़ दिया गया है जिससे इसे समुद्री यातायात से भी जोड़ा जा सके तो हम देख रहे हैं स्टारडम से शुरू होकर फ्रांस के स्ट्रासबर्ग तक है और आगे भूमध्य सागर से ये रोन राइन रिवर के रोन राइन नहर के द्वारा जोड़ी गई है तो ये हो गई आपकी राइन जल मार्ग की जो प्रमुख बातें हैं अब यूरोप में हम दूसरा और देखते हैं डेन्यूब नदी जो जल मार्ग है उसके बाद ये महत्वपूर्ण है डेन्यूब नदी जो जल मार्ग है ये यूरोप की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है या हम कहें कि जल मार्ग है ये किन किन देशों से होकर गुजर रही है हम देख रहे हैं जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी युगो इन देशों से होकर यह नदी जो है वो गुजरती है इसकी और आ, मुख्य बात इस नदी के द्वारा आपके गेहूँ ज्वार चुकंदर मक्का और खनिज पदार्थों का जो है वो व्यापार किया जाता है अब हम यूरोप की तीसरी महत्वपूर्ण नदी जलमार्ग की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों नदियों के अतिरिक्त जो सोवियत सोवियत संघ की वोल्गा नदी है वोल्गा नदी है डोन नदी है और यूराल नदियाँ इन तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है और जोड़कर अंतरदेशीय जलमार्ग जल मार्ग और इसके अलावा औद्योगिक विकास का प्रमुख जल मार्ग जो है वो विकसित किया गया है सोवियत संघ की इन तीन नदियों को जोड़कर अब आ, इनसे परिवहन किया जाता है अनाज का लकड़ी का और पेट्रोलियम पदार्थों का इनके माध्यम से परिवहन किया जाता है तो यो ये हो गई आपकी यूरोप के प्रमुख जो जल मार्ग हैं उनकी बात हो गई अब हम आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम बात करेंगे तो यहाँ जो महान झील क्षेत्र है ये आंतरिक जल मार्ग का प्रमुख साधन है महान झील क्षेत्र यदि मैं कह रही हूँ तो मुझे लगता है कि इस बात से आप सभी परिचित परिचित होंगे कि उत्तरी अमेरिका में पांच प्रमुख झीलें हैं जिन्हें हम महान झील के नाम से जानते हैं सुपीरियर है है ना इरी ओंटोरियो और ह्यूरन झील है और मिशिगन ये पांच जो झीलें हैं वो उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के नाम से जाने जाते हैं और इन इन झीलों के द्वारा ही यहाँ पर आंतरिक जलमार्ग का विकास किया गया है ये झीलें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं ये झीलें भी अलग अलग हैं लेकिन इन्हें आपस में जोड़ा गया है नहरों के द्वारा इन सभी झीलों को आपस में नहरों के द्वारा जोड़ा गया है और इन सब को आपस में जोड़कर इन झीलों को इसके माध्यम से सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा या सेंट लॉरेंस नदी से जोड़ा गया है और इसीलिए हम इन महान झीलों वाला जो जल मार्ग है उसको सेंट लॉरेंस जल मार्ग के नाम से भी जानते हैं अब हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि इनके ये जो है सेंट लॉरेंस नदी से इन महान झीलों को जोड़ा गया है और सेंट लॉरेंस नदी जो है वो इन झीलों को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन सी नदी सेंट लॉरेंस नदी इस जलमार्ग के द्वारा जो है वो ये जलमार्ग भारी वस्तुओं को सबसे कम कीमत पर ढोने वाला जो है वो जलमार्ग है मतलब जो हम भारी सामान परिवहन करते हैं तो इस जलमार्ग में जब परिवहन किया जाता है तो उसकी लागत बहुत ही कम आती है। अब हम देखें ये जो मार्ग है वो आपके हमको दिख रहा है महान झील क्षेत्र जो है वो आपका दक्षिण पूर्वी कनाडा और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है तो दक्षिण पूर्वी कनाडा और दक्षिण पूर्वी कनाडा और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का ये औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण है ये महान झील क्षेत्र जो है वो इसके बाद और उसकी औद्योगिक प्रगति में जो है वो बहुत सहायक भी है अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की जो का दूसरा महत्वपूर्ण जो जल मार्ग है दो महत्वपूर्ण जलमार्ग है इसमें हमने बात की महान झील या हम सेंट लॉरेंस जलमार्ग कहा हमने इसे अब हम देखते हैं मिसिसिपी नदी जलमार्ग मिसी से मिसी सिपी नदी के माध्यम से जो जलमार्ग विकसित किया है उसकी हम बात करते हैं हम देखें ये मिसी सिपी नदी और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उन सबको मिलाकर लगभग चार हजार किलोमीटर जल जलमार्ग जो है वो तैयार किया गया है मिसी और उनकी अन्य सहायक नदियों के साथ अब हम देखते हैं ये जो मिसिसिपी नदी है और उसकी सहायक नदी ओहियो मिसिसिपी और उसकी सहायक ओहियो नदी को मिलाकर महान झीलों से जो हमने भी बात की थी बात की थी कि पांच जो महान झीलें हैं उत्तरी अमेरिका की उनसे जोड़ा गया है मिसिसिपी और ओहियो नदी को इस आ, जल जलमार्ग जल मार्ग के द्वारा आपके उत्तरी अमेरिका में कोयला पेट्रोलियम और जो निर्मित वस्तुएं या पदार्थ हैं उनका परिवहन या आवागमन जो है वो किया जाता है तो ये हो गई आपकी उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख जलमार्ग। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हम देखेंगे तो प्रमुख रूप से अमेजान नदी जो है वो यहाँ की प्रमुख नदी है जो जहाँ पर अमेजान और उसकी सहायक नदियों में ही जल मार्ग का जो है वो अधिकतर विस्तार किया गया है और अमेजान और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक लंबा जल मार्ग जो है वो दक्षिणी अमेरिका में बनाती हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हमको पता है कि जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ है असमतल है पश्चिमी क्षेत्र भी उसका पर्वतीय क्षेत्र है आ, उत्तर में हम यदि चले जाएँ तो घना वना आच्छादित क्षेत्र है जिसके कारण यहाँ पर परिवहन का बहुत अधिक विस्तार नहीं हो पाया है परिवहन मतलब आ, जल मार्ग का और अधिक विस्तार नहीं हो पाया है हम देखें ये जो अमेजान नदी अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर जो जल मार्ग बना रही है उसके माध्यम से इस क्षेत्र में रबर का लकड़ी का और कहवा का जो है वो परिवहन किया जाता है चूँकि पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या ये पूरा क्षेत्र जो है वो एक अविकसित प्रदेश है और कम जनसंख्या है कम जनसंख्या के साथ साथ यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो निम्न है इन सभी कारणों से जलमार्गों का उपयोग भी जो है वो कम होता है अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की यदि ऐसे तो हम अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो नील नदी जो है वो ही प्रमुख नदी है लेकिन इनके अलावा जो नील नदी है कांगो जायरे और नाइज़र नदियाँ इन नदियों में प्रमुख रूप से जलमार्ग का विकास यहाँ पर किया गया है और ये महाद्वीप जो है वो हमको पता है कि अभी भी अविकसित है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है बहुत सारे इसके दलदली पठारी क्षेत्र हैं रेगिस्तानी क्षेत्र हैं यहाँ पर है ना तो यहाँ के जो भूमधिररेखी क्षेत्र हैं अफ्रीका महाद्वीप के इन भूमधि रेखी क्षेत्र और दलदली पठारी और जो सघन वनों से आच्छादित जो क्षेत्र हैं इस महाद्वीप के वहाँ पर नदियाँ ही जो है वो एकमात्र परिवहन का सुगम और सरल जो है वो साधन है ये हो गई बात अफ्रीका महाद्वीप की अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप के आंतरिक जलमार्ग के विषय में जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो चीन और भारत ये ये दोनों देश में ही प्रमुख रूप से आ, आंतरिक जलमार्ग जो है वो अधिक विकसित है यदि हम चीन की बात करें तो चीन की जो आ, यांगटी सिक्यांग नदी है हांगो नदी है और सिक्यांग नदियां हैं यहाँ पर प्रमुख जल मार्गों आंतरिक जल मार्गों का विकास किया गया है और इन जल मार्गों के माध्यम से चीन में आ, अनाज है कोयला है आ, इनके अलावा चाय रेशम और आ, आपके जो कपास और सूती वस्त्रों का परिवहन किया जाता है अब हम बात करेंगे भारत के बारे में तो हम देख रहे हैं भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी इरावदी ये सारी नदियां जो हैं इनमें प्रमुख रूप से जलमार्ग जो है वो विकसित किया गया है और यदि हम भारत में देखेंगे तो यहाँ पर इन नदियों में आ, नाव या नौकायन के द्वारा ही प्रमुख रूप से परिवहन किया जाता है अब हम देखते हैं कि इन नदियों में इन नदियों के द्वारा भारत में आपके कपास जूट चाय अनाज और कोयले का जो है वो परिवहन किया जाता है ये हो गई एशिया महाद्वीप की बात अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं कि मरे और डार्लिंग नदियाँ ये जो दो नदियां हैं वो ही प्रमुख जलमार्ग या हम कहें कि जलमार्ग के विकसित करने के लायक हैं और इन्हीं पर जलमार्ग इस महाद्वीप में विकसित किया गया है और इसमें से ऊन मांस गेहूं, कपास ये जो हैं इन वस्तुओं का परिवहन इन जलमार्ग के द्वारा किया जाता है तो ये हमने बात की आंतरिक जलमार्ग की इनलैंड वाटर वेस की जो आपके अलग अलग महाद्वीप में हमने देखा महाद्वीप और कि हर महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख जल मार्ग जो हैं वो हमको विकसित मिलते हैं अब हम बात करेंगे सामुद्रिक जलमार्ग या महासागरीय जलमार्ग की जो जल परिवहन का दूसरा वर्ग था आपका जिसको हम बोलते हैं सामुद्रिक परिवहन या महासागरीय जलमार्ग की हम बात करेंगे तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जल मार्ग या कोई भी जल परिवहन जो है वो अपेक्षाकृत रेल और आ, सड़क मार्ग जो है या वायु यातायात की हम बात करें उससे बहुत सस्ता पड़ता है वो इसलिए कि ना तो हमें वहाँ पर बस स्टैंड या सड़क मार्ग के निर्माण की ज़रूरत नहीं पड़ रही है पटरियाँ नहीं बिछानी पड़ रही हैं है ना हमको आ, सामुद्रिक जल मार्ग के लिए सिर्फ़ आपको दोनों तटों पर जिस स्थान से वो जलियान जा रहा है और जिस स्थान तक जिस गंतव्य तक वो जा रहा है वहाँ पर दोनों तटों पर उसे सिर्फ बंदरगाह की आवश्यकता पड़ती है बंदरगाह मतलब जो जलियान नौकाएँ या कोई भी स्टीमर जो है जिन तटों पर रुकता है उसे हम पोर्ट या बंदरगाह कहते हैं तो इसकी बस आवश्यकता पड़ती है दूसरी बात ये होती है कि जलयान जो है वो समुद्रों में बिना रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं वहाँ पर घर्षण कम हो रहा है और साथ ही साथ जो महासागर हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं जिनसे कोई रुकावट या बाधा नहीं आती है इसके बाद हम ये देखते हैं कि आजकल के जो जलयान हैं वो आपके राडार है ना या कंप्यूटर वायरलेस इससे पूर्ण रूप से सुसज्जित होते हैं या इनका बहुत अधिक विकास कर लिया गया है जिसके कारण आ, किसी भी प्रकार के खराब मौसम या तूफान की सूचना जो है वो इन्हें मिल जाती है और आ, इस भविष्यवाणी या इस सूचना की भविष्यवाणी मिलने से ये आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं हम बात करेंगे आ, पहले आ, जब पंद्रहवीं शताब्दी थी पंद्रहवीं शताब्दी के समय में हम देखते हैं आ, कि जो परिवहन किया जाता था उस पंद्रहवीं शताब्दी में पालदार जहाज़ पालदार जहाज़ मतलब जो हवाओं के सहारे जहाज़ चलते थे आ, उनका जो अधिक क्रेज़ था या वो ही आ, जो है महासागरों में परिवहन किया करते थे लेकिन उसके बाद से वर्तमान तक इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हो गया है और वर्तमान में भी जैसे हमने बात की कि राडार या वायरलेस बेतार का जो तार है या वायरलेस से पूरी तरह से जो जलयान है वो सुसज्जित होते हैं अब समुद्री मार्ग के द्वारा किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किया जाता है बिना बाधा के बिना रोक टोक के आ, दूसरी बात ये होती है कि इसमें हमको ईंधन ईंधन का कम व्यय लगता है हमने बात की थी कि जल में स्थली भाग की अपेक्षा घर्षण कम होता है जिसके कारण ऊर्जा की लागत भी इसमें जो है वो कम आती है अब हम देखें कि आ, किसी भी रेल जो आ, भार्ड होता है रेल आ, जो मालवाहक गाड़ी जो होती है उसकी अपेक्षा चार से पाँच गुना जो है अधिक आ, माल जो है मालवाहक कोई भी जलयान ढो सकता है लगभग आठ हजार से दस हज़ार टन तक भारी आ, जो वस्तुएं हैं या भारी पदार्थ या सामान जो है इसमें परिवहन किए जा सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि आ, कुछ दशाएं हैं सभी जगह समुद्री परिवहन विकसित नहीं किया जा सकता कुछ इसके लिए कंडीशंस हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी दशाएं हैं जहां पर ये समुद्री परिवहन जो है वो अच्छी तरह से विकसित हो सकता है तो नंबर वन हम देखते हैं भौतिक दशाएं भौतिक दशाओं में पहला है कि कोई भी जो जलीय क्षेत्र या महासागरी जो भाग है वो बहुत अधिक ठंड में जमना नहीं चाहिए है ना मतलब अगर वहाँ पर का जल जो है उसके जमने की स्थिति अधिक ठंड के कारण हो गई तो वो जलयान में या जल के परिवहन में जलयान के परिवहन में जो है वो बाधा पहुंचाती है हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आपका जो कनाडा के जो हटसन की खाड़ी है वहाँ पर जो बंदरगाह है वो ठंड के मौसम में शीतकाल में जम जाता है जिसके कारण परिवहन में बाधा पहुँचती है इसके साथ दूसरी कंडीशन होती है जब कोहरा छा जाता है कोहरे की स्थिति होती है जिस भी महासाग महासागरीय भाग में हमको पता है कि जहाँ पर भी ठंडा और गर्म जल मिलता है तो कोहरे की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है तो कोहरा भी जो है वो एक बाधा के रूप में कार्य करता है किसी भी प्रकार से महासागरीय परिवहन या यातायात में इसके बाद तीसरा हम देखते हैं हिमपिंड जिन महासागरी क्षेत्रों से बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े या शिलाएं जो हैं वो होती हैं जम जाता है जब वहाँ पर का जल जो है तो वो भी वहाँ पर परिवहन में बाधा पहुँचाता है या हम ये कहें कि वहाँ पर जल परिवहन नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे वहाँ पर जो चलने वाले जहाज़ हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं नष्ट हो सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं जो महासागरीय जल में जो परिवहन किया जाता है उसमें वहाँ पर, पर पर्टिकुलर जो स्थाई हवाएं चलती हैं या धाराएं जो चलती हैं उनका भी बहुत प्रभाव होता है अब हम देखते हैं आ, कुछ आर्थिक दशाएं होती हैं समुद्री परिवहन को और विकसित करने के लिए तो जो क्षेत्र आर्थिक रूप से या व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत विकसित होता है वहाँ पर भी ये महासागरी परिवहन विकसित होते हैं क्योंकि उन्हें यात्रा के लिए चाहे पदार्थ वस्तुएं, सामान हो, या फिर यात्री जो हैं वो मिल जाते हैं इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जहाँ पर जो क्षेत्र अधिक अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा वहाँ पर आपको ये सुविधा जो है वो कम देखने को मिलेगी तो ये कुछ भौतिक और आर्थिक कारक हैं जो समुद्री परिवहन को प्रभावित करते हैं अब हम बात करते हैं आपके जो प्रमुख प्रमुख सामुद्रिक जल मार्ग हैं महासागरी जल मार्ग हैं उनके विषय में